अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलमास और आप देख रहे हैं अलमास किचन मेनू यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लाई हूं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस, जो हम बाहर शादियों में देगी कोरमा खाते हैं शादियों में और बाहर ऑर्डर देके जो बनवाते हैं, वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो बाहर जैसा कोरमा हम घर में कैसे रेडी कर सकते हैं और दानेदार कोरमा, वो बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। तो एंड तक पूरी वीडियो वॉच करें और देखें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। मिनटों में तैयार कर सकते हैं आप घर में ये कोरमा। मेरी टिप्स को फॉलो करके बनाइएगा आप, तो बिल्कुल कोरमा ऐसे ही रेडी होगा जैसे दिख रहा है आप लोगों को, जैसे आप लोग बाहर में खाते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी मैंने योगर्ट ले लिया है। अच्छा, फ्लेम को बंद रखिएगा, फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं करना है। अभी मैं इसमें सिर्फ पतीली में, बड़ी सी पतीली में हाफ के जी योगर्ट ऐड कर रही हूँ। डेढ़ पाव ऑयल लिया है, वो भी योगर्ट के साथ ही ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जितना आप अपने दही को अच्छी तरीके से फेंटेंगे आपका कोरमा उतना ही दानेदार बनेगा। आप चलते हैं मसाले की तरफ। तो 2 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया ले लिया है, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 2 टेबल स्पून हल्दी, 8 से 10 अदद लौंग लेंगे, 8 से 10 अदद छोटी इलायची, 3 टेबल स्पून जिंजर और 3 टेबल स्पून गार्लिक ले लेंगे। अदरक लहसुन हमने ज़्यादा लेना है। अच्छा, हमने इस कोरमे में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, जो दही हमने ऐड किया है वही पानी छोड़ेगा, उसी में हमारा गोश्त गल जाए। और अब इसमें जो मसाला निकाला था वो ऐड कर देंगे। और 1 kg बीफ का गोश्त लिया है। अच्छा, आप इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन अगर यूज़ करेंगे तो टाइम कम लगाइएगा पकाने में। और अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब ऑन किया है फ्लेम। अच्छा, फ्लेम को तेज़ ऑन करके हमने अच्छी तरीके से पहले इसे मिक्स करके जोश दे लेना है, पका लेना है। जब इस तरीके से जोश आ जाए पानी में तो ढक के हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए गोश्त गल जाने के लिए नॉर्मल फ्लेम में पकाएंगे। देखें, गोश्त हमारा गल चुका है और अब इसमें हमने अनियन को ऐड कर दिया है। 3 बड़े साइज के अनियन लिए थे मैंने, उसे फ्राई कर लिया था, फ्राई करके उसे निकाल लिया था। और अब इस गोश्त को रेडी करने के बाद इसमें ऊपर से ऐड करेंगे अनियन को, पहले ऐड नहीं कीजिएगा। और अब हमने सिर्फ भूनना है, फ्लेम तेज़ करके हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। और ये देखें, ये कोरमा हमारा रेडी पे है। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा कोरमा दानेदार कैसे बनेगा। पहले हम इसे भून लेंगे। अब हमने चम्मच को हटा देना है और अब हमें हैंड की मदद से नॉर्मल फ्लेम में इसी तरीके से इसे भूनते रहना है। ये देखें, इस तरीके से, इस अंदाज में। और एहतियात से कीजिएगा कि हाथ भी नहीं जले, और जो है वो आप ऐसा ना हो कि आप जब इस तरीके से कर रहे हो तो वो आपके ऊपर ही गिर जाए। तो बहुत एहतियात से आपने कोरमे को रेडी करना है, दानेदार बनाना है। और ये हमारा कोरमा रेडी भी हो चुका है और अब हम इसे डिश में निकाल रहे हैं खाने के लिए। बहुत ही यम्मी, बहुत डिलीशियस बन के ये कोरमा रेडी हुआ है। तो घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मुझे बताएं मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और मुझे इजाज़त दें, मैं न्यू रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।